नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीडीडी बिजली विकास विभाग राजौरी ने क्षेत्र की बिजली बहाल करने के लिए केवल 3 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत की, जो कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी भी 8 अन्य ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त स्थिति में है। लोगों ने बिजली की बहाली के लिए जिला प्रशासन राजौरी से आग्रह भी किया और ट्रांसफार्मर को फिर से लगाया, क्योंकि छात्रों की शिक्षा अनिर्धारित बिजली कटौती के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिला शिक्षा कर्षण जी, हाजी मोहम्मद तारक गनई थाना मंडी का परमानेंट सिटीजन हूं मैं। मेरे सामने बिजली के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी जो लीडे हैं, जो वायरिंग सिस्टम है, सारा टोटली खराब हुआ है, जिससे यानी आए दिन मुश्किल सामना करना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसे गवर्नमेंट से पूछो, गुजारिश है कि इसकी कम से कम लीडे वगैरह दी जाए। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता सुहेब रंगरेज की रिपोर्ट।